एमएससी फाइनल। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर वॉर्म विशेस गिवन ऑन टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। टुडे वी विल डिस्कस सुपर कंडक्टिंग एंड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। इन पास्ट वी हैव रेड अबाउट मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इंसुलेटर्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड कैटेगरी इज सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन पोर्शंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस वॉट इज सुपर कंडक्टिविटी एंड वॉट आर सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। इन 1930 कैमरलिन वंस ऑब्जर्व दैट हीलियम ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अलाउ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एट 4 केल्विन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड द मटीरियल हीलियम इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। एट दिस टेम्परेचर द सब्सटेंस बिकम्स डाई मैग्नेटिक एंड हैंस इट इज रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स। सून आफ्टर वंस ऑब्जर्वेशन एट इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर लाइंग बिटवीन 2 केल्विन एंड 5 केल्विन। इन 1986 बैगनोस एंड मूलर प्रिपेयर्ड अ कंपाउंड लैंथनम 1.5 बेरियम 1.5 CuO4 विच बिहेव एज एन सुपर कंडक्टिंग मटीरियल एट 30 केल्विन विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। These all compounds are non-stoichiometric. Now, second material, this is barium 0.7, potassium 0.3, bismuth oxide. This is superconductor at 30 Kelvin. Lanthanum 1.8, strontium 0.2, copper sulfate at 40 Kelvin. They behave as superconductors. Yttrium, barium 2, copper 3, O7 at 90 Kelvin, they show superconductivity. As well as barium 2, calcium 2, strontium 2, Cu3, O10, they show 105 Kelvin. And the last and not the least, टाइटेनियम 2, कैल्शियम 2, बेरियम 2, कॉपर 3, ऑक्सीजन 10 एट 125 केल्विन, दे शो सुपर कंडक्टिव। एंड रिसेंटली रिसर्च आर गोइंग ऑन फॉर द फॉर फाइंडिंग मोर सुपर कंडक्टर्स एट और हाई टेम्परेचर्स। नाउ सेकेंडली इज एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। ये सुपर कंडक्टर्स हमारे कहाँ पे काम आते हैं? सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स हैव एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग सुपर मैग्नेट्स, नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन पावर ट्रांसमिशन। इन सुपर कंडक्टर्स का जो रोल है इन सब में काम आता है। तो आपको ये बताया सुपर कंडक्टिविटी का जो बेसिक मीनिंग है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि बहुत लो टेम्परेचर 2 केल्विन पे या 4 केल्विन पे हीलियम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद पास हो गई, उसने कहीं पर भी रेजिस्टेंस ही शो नहीं किया, जबकि हीलियम होता है 1s2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे कम इन सब्सटेंसेस को तो हमने सुपर कंडक्टर्स कहा और इस एक्टिविटी को हमने सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया। थैंक यू।